हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कूल प्लस सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वर्टर फ्रिज को R600 गैस चार्ज कैसे कर सकते हैं और वैक्यूम से लेके गैस चार्ज तक कंप्लीट प्रोसेस आपको हम आज दिखाएंगे कि इसमें गैस चार्ज आप कैसे कर सकते हैं, इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है और बैक प्रेशर कितना होता है, और आप कितना बैक प्रेशर रखेंगे तो R600 गैस में परफेक्ट कूलिंग हो सकता है। आप देख सकते हैं इसके कंप्रेसर पे लिखा हुआ है R600 गैस और NC4MB88LP33 करके ये कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में तीन स्पीड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी कि जब आपका ये फ्रिज स्टार्ट होगा तो इसमें जो है पहले फर्स्ट मोड चलेगा, यानी लो चलेगा, फिर उसके बाद मीडियम होगा, फिर हाई हो जाएगा। तो अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर आता है उसके हिसाब से ये मैनेज करता रहता है, लो, मीडियम, हाई होता रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने नाइट्रोजन प्रेशर 110 PSI हमने होल्ड करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें नाइट्रोजन प्लस आउट करके मैंने इसमें रखा हुआ है, और इसका जॉइंट वगैरह अच्छे से हमने लगा के रखा है, और इसका प्रेशर टेस्टिंग वगैरह हमने कर दिया है, यानी कहीं पर ये लीकेज नहीं है। इसके पहले जो प्रॉब्लम था, इसमें गैस का प्रॉब्लम था, गैस इसमें लीकेज था, इसकी वजह से ये फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही थी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये हमने ड्रायर को बदली किया है यहाँ पे, और एक यहाँ पे कपलर लगाया है कॉपर का 1/4 का, और अच्छे से ये सब जॉइंट को आप लगा सकते हैं। अच्छे से लगाएंगे, उसके बाद प्रेशर भर के इसमें आप होल्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आप 125 PSI रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। प्रेशर भी हमारा परफेक्ट है, प्रेशर भी डाउन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वैक्यूम करने के लिए हमको वैक्यूम पंप की ज़रूरत पड़ेगी, और कम से कम हम इस फ्रिज में 15 मिनट वैक्यूम करेंगे। 15 मिनट के बाद फिर उसके बाद में हम गैस का प्रोसेस करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें 110 PSI नाइट्रोजन प्रेशर हमने होल्ड करके रखा था, और सारे जॉइंट को हमने नाइट्रोजन फ्लश करने के बाद अच्छे से इसको हमने जॉइंट को लीक टेस्ट लिया है, यानी कि कहीं आपका लीकेज नहीं होनी चाहिए। जो जॉइंट लगनी चाहिए वो एकदम परफेक्ट लगनी चाहिए। नाइट्रोजन प्रेशर को अब हम निकाल देंगे, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा 110 PSI इसमें प्रेशर है, और हम इसको अच्छे से निकाल देंगे इसके नाइट्रोजन प्रेशर को। अब ये कंपाउंड गेज में आपको दिख रहा होगा कि 0 PSI हो चुका है, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन जो है ये फ्रिज की तरफ अंदर में NRB वाल की तरफ गया है, और एक चार्जिंग लाइन जो है ये कंपाउंड गेज से निकल के ये वैक्यूम पंप में लगेगा। तो अब हम इसको 15 मिनट वैक्यूम करेंगे। हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं वैक्यूम पंप को। हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, अब हमने इस वैक्यूम पंप में इसको लगा दिया है। अब ये कम से कम 15 मिनट वैक्यूम आपको करना ज़रूरी है। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये 0 PSI पे था, तो अब ये माइनस तीस पे धीरे धीरे 15 मिनट जब हो जाएगा तो -30 पे ये अच्छी तरीके से वैक्यूम उसको माना जाता है। और अगर डिजिटली में, अगर अभी नए मॉडर्न के ज़माने में वो माइक्रोन में मापा जाता है कि ये कितने माइक्रोन होता है, माइक्रोन में भी मापा जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये -30 तक धीरे धीरे बैक आ रहा है 0 से। तो अब हम इसको रख देते हैं, 15 मिनट के बाद हम वापस इसको गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बतलाएंगे। A few moments later. तो दोस्तों, जैसा कि ये 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के बाद अब हम इसके कंपाउंड गैस के वाल को पहले बंद करेंगे, फिर उसके बाद में इस वैक्यूम पंप को हम बंद करेंगे। क्योंकि अगर पहले अगर हम वैक्यूम पंप को अगर हम बंद कर देते हैं, तो बाद में अगर कंपाउंड गेज के वाल को अगर हम बंद करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वापस जो है हवा जो है वो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो वापस अंदर रिटर्न हो जाएगी, तो प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, -30 पे ये इसका जो स्केल है वो पहुँच चुका है। तो अब हम इसको पहले कंपाउंड गेज के वाल को हम बंद करेंगे। हमने ये कंपाउंड गेज के वाल को हमने बंद कर दिया है, फिर उसके बाद में हम इसके वैक्यूम पंप को हम बंद करेंगे। जैसा कि हमने ये बंद कर दिया है, अब बंद करने के बाद हम इसको चार्जिंग लाइन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसके
इसमें जो गैस है, जैसे कि R600 गैस है, वही गैस चार्ज अब हम करेंगे। R600 गैस जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा रेफ्रिजरेंट। अब हम इस चार्जिंग लाइन को ये बाटले में हमने लगा दिया है। अब हम इसके वाल को हम पुश करेंगे, उसके बाद में अब हम इसके बाटले को उल्टा कर देंगे। जैसा कि हमने ये बाटले को हमने रख दिया उल्टा करके, अब हम इसको वाल को खोल देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 40 से 45 होता है। गर्मियों के दिन में आपको 45 PSI देखने को मिल सकता है। इसका जो बैक प्रेशर है वो 0 से -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो जब आप इसको -1 पे या 0 पे तक आपको बैक प्रेशर आप रखेंगे तो आपके फ्रिज में अच्छे से कूलिंग हो पाएगा। जैसा कि आपको हम दिखा देते हैं कि ये 40 PSI है, इसमें 40 PSI है, क्योंकि ये फ्रिज जो है ये तकरीबन 300 लीटर के ऊपर है। तो 300 लीटर के ऊपर जो है RT34 ये मॉडल है, कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। तो अब इसमें हम गैस चार्ज 40 PSI हमने स्टैंडिंग प्रेशर रख दिया है। अब हम इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो स्केल है वो माइनस की तरफ धीरे धीरे जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने ये बोर्ड में प्लग में लगा दिया है, अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद एग्जिट अभी 2 से 3 सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा कंप्रेसर। कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद हम इसके स्केल को प्रॉपर तरीके से हम देखते रहेंगे। अभी जैसा कि ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है और ये आपको दिख रहा होगा, हमारा अब हम इसको 5 मिनट के लिए वेट पे रख देते हैं। 5 मिनट चलने के बाद एग्जिट इसका बैक प्रेशर आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर वे में आपका फ्रिज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें तो इसके वाल को हम वापस इसको हम बंद कर दिए हैं। बंद करने के बाद इसके चार्जिंग लाइन में जो भी गैस है उसको हम हल्का सा इसको खोल के वापस आप देख सकते हैं जितना इसमें है इसको हम अंदर की तरफ खिंचा लेंगे। हमने ये खिंचा दिया है तो आपको दिख रहा होगा ये वापस बैक में जा रहा है। शुरू में जब R600 निकला था तो उसमें ऐसा लगता था कि ये माइनस में जा रहा है तो ये चोक हो गया होगा फ्रिज, तो ऐसा नहीं है। R134 गैस में भी अगर 10 PSI आपने रखा है, अगर माइनस में आ गया तो उसका मतलब ये होता है कि आपका फ्रिज जो है वो चोकअप हो चुकी है, आपके फ्रिज में प्रॉपर वे में फ्लैशिंग नहीं हुआ है, या फिर कंडेंसर में कहीं कचरा है, या फिर ड्रायर उसका फिल्टर ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो है -1 पे आ गया है, यानी कि 0 से अंदर में, तो इसका मतलब ये है कि R600 गैस में इसमें गैस जो है वो प्रॉपर है। कुछ टाइम इसको आप चलने देंगे तो आपको एग्जैक्ट कूलिंग का पता लग पाएगा। और तो दोस्तों जैसा कि ये स्केल अगर -10 के नीचे अगर चला गया तो चोकअप में आ जाएगा, अगर -10 के ऊपर रहेगा तो यानी कि ये स्केल जो है आपका परफेक्ट है, आपका फ्रिज का जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है और अच्छे से गैस चार्ज इसमें हो चुका है। तो आपको जैसा दिख रहा होगा थोड़ा टाइम चलने के बाद अब ये जो है 0 पे धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि 0 से ऊपर आप बैक प्रेशर नहीं रखेंगे। अगर 0 के ऊपर अगर आपने बैक प्रेशर रखा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग होगा और इसके सेक्शन लाइन पे आइस आने की पूरी चांस रहती है। कम से कम 10 मिनट चलने के बाद इसका जो लो स्पीड है जो कंप्रेसर का, वो 10 मिनट चलने के बाद जो है ये सेकंड स्टेप में आएगा, उसके बाद थर्ड स्टेप में आएगा। जब थर्ड स्टेप में आ जाएगा तो प्रॉपर जो है आपका फ्रिज में कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट चलने के बाद आपका ये फ्रिज जो है सेकंड स्टेप के रनिंग स्टेप पे आया हुआ है। तो जब प्रॉपर वे में रनिंग होगा तो उसमें जो है PSI जो होता है, जब कंडेंसिंग होगा तो PSI हल्का हल्का फिर बढ़ना शुरू होता है। तो हमने ये 0 पे PSI पे रखा था और -1 पे था, तो थोड़ा टाइम रनिंग होने के बाद इसका गैस का जो प्रेशर लेवल है वो ऊपर की तरफ यानी कि एक PSI पे आया हुआ है। तो एक PSI भी सही है इसके हिसाब से। और जब ये थर्ड
स्टेप में जाएगा, उसका रनिंग स्पीड जब हाई लेवल पे होगा तो ये जो है माइनस वन पे आ जाएगा, और ये इसका जो स्केल है वो माइनस वन पे आ जाएगा, और फिर आपका जो है ये इसमें प्रॉपर वे में कूलिंग होगा और अच्छे से माइनस डिग्री में कूलिंग होगा। वैसे ही तो ये इस R600 गैस में इसके फ्रीजर की अगर टेम्परेचर की बात करें तो -20 डिग्री तक जाता है, और हमने जो प्रैक्टिकली देखा है इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट में -20 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें जब ये थर्ड स्टेप पे आ जाएगा तो इसका जो है बैक प्रेशर जो है वो जीरो पे आ जाएगा या फिर -1 पे हो जाएगा। तो अब इसके अगर हम साइड बॉडी की बात करें तो बॉडी हीट होती है, हीट होने के बाद अच्छे से नॉर्मल कंडीशन होता है और नॉर्मली हीट होता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गैस चार्ज ना करें, नहीं तो इसका जो सेक्शन लाइन है यहाँ पे आइस आने की चांस होती है, फिर आइस नीचे मेल्ट होके गिरेगा, उसका पानी जो है फिर कस्टमर का कंप्लेन आता है कि हमारे जो फ्रिज में है ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसके प्रॉपर वे में आप गैस चार्ज कैसे करते हैं वैक्यूम के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।